मछली पकड़ने वाली चुड़ैल। रूपनगर नाम के एक गांव में एक औरत मछली बेचने आती है। मछली ले लो, मछली ताजी ताजी मछली, ऐसी मछली कहीं नहीं मिलेगी, एक बार लोगे तो बार बार आओगे। अरे बहन, ये औरत तो अपने गांव में कभी मछली बेचने नहीं आई, ये तो नई मछली वाली लग रही है। हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो, क्यों ना इस बार इसकी मछली लेकर देखते हैं कैसी है। वैसे देखने में तो मछली सच में बड़ी ताजी लग रही है। चलो चलो, आज चलकर इस मछली वाले से ही मछली लेके देखते हैं। दोनों औरतें चुड़ैल के पास मछली लेने जाती हैं और उसकी मछली को देखकर बोलती हैं, अरे ओ मछली वाली बहन, ये कांटे वाली मछली कैसी दे रही हो। कांटे वाली मछली 100 रुपए और राव मछली 200 रुपए। अरे मछली बेच रही हो या सोना चांदी, सही से रेट लगाओ ना। तुम्हें जो देना है दे दो, बस ये सारी मछलियाँ ले लो, क्योंकि ये मछलियाँ मैं तुम गांव वालों के लिए बड़े ही मुश्किल से पकड़ कर लाई हूँ। अच्छा ऐसा क्या, तो एक काम करो, तुम मेरे लिए कुछ कुछ मछलियाँ पैक कर दो। चुड़ैल उन दोनों औरतों के लिए मछलियाँ पैक कर देती है और आगे बढ़ जाती है। अब रात हो जाती है और वो दोनों औरतें अपने अपने घरों में मछलियाँ बनाती हैं। तभी उनमें से एक औरत का पति, जिसका नाम रूपेश होता है, वो घर आता है और मछली की खुशबू सूंघकर अपनी बीवी से बोलता है, अरे मीना डार्लिंग, आज तो मछलियों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे आज गांव में नई मछुआरन आई थी मछलियाँ लेकर, बड़ी ही ताजी ताजी मछलियाँ थी उस मछुआरन की, इसीलिए मैंने उससे मछलियाँ ले ली। आपको पता है इस मछलियों को बनाने में मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और इसकी खुशबू, वाह वाह वाह, इसकी खुशबू से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बड़ी ही टेस्टी बनी है। मुझे तो डर लग रहा है कि इस मछली की खुशबू से कहीं गांव वाले अपने बर्तन लेकर मेरे घर ना आ जाएं। ये बोलते हुए कि मीना बहन थोड़ी सी मछली देना, हम भी टेस्ट करना चाहते। अरे आप सिर्फ अपने हाथ की बनाई मछलियों की तारीफ ही करती रहोगी या मुझे खाने को भी दोगी। अरे देती हूँ, सब्र रखो, आज हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। जिसके बाद मीना रूपेश के लिए मछलियाँ निकालती है और दोनों साथ में बैठकर खाते हैं। अब मछली खाकर दोनों खुद भी एक मछली बन जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों के पास आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। हा, 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 मेरी आज की दो ताजी ताजी मछलियाँ फिर से तैयार हो गई। अब इन्हें पकड़कर अपनी टोकरी में भरूंगी और अगली सुबह दूसरे गांव में जाकर इन मछलियों को बेच दूंगी। अरे तुम कौन हो जिसने हम दोनों पति पत्नी को मछली बना दिया, ऐसा क्या था तुम्हारी मछली में। अच्छा तो तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ, तो देखो मेरा असली रूप। इतना बोलकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। वो दोनों मछली बनी पति पत्नी चुड़ैल को देखकर हैरान हो जाते हैं और अपनी जगह पर फड़फड़ाने लगते हैं। परंतु चुड़ैल उन दोनों को पकड़कर अपनी टोकरी में भर लेती है और उन दोनों की बोलती बंद कर देती है और दूसरी औरत के घर जाकर उन दोनों मछलियों को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह दूसरे गांव में जाकर वो मछलियाँ बेचती है। इसी तरह से जो भी कोई उस चुड़ैल की मछली खाता वो मछली बन जाता। ऐसे ही एक दिन वो चुड़ैल गांव में जाती है। मछली ले लो मछली, मछली वाले की आवाज सुनकर सभी गांव वाले मछली लेने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। जिनमें से एक औरत चुड़ैल से बोलती है, अरे बहन ये मछलियाँ कैसी दी। तुम मुझे जितने दे पाओ उतने दे दो, पर मुझसे मेरी ये सारी मछलियाँ ले लो। ये बात सुनकर दो औरतें कान में खुसफुस करते हुए बोलती हैं, इतनी ताजी और बढ़िया मछली ये मछली वाली हमें फ्री में क्यों दे रही है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ बहन तुम सही बोल रही हो, वरना तुम ही बताओ ना, कोई मछुआरा इतनी मुश्किलों से समंदर से मछली पकड़ कर लाए और फ्री में गाँव में जाकर मछली बेचे, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो अपनी पड़ोसन है ना जिसका पति मछली पकड़ता है, पता है ना वो मछली बेचते समय 1 रुपए कम नहीं करता और कितना गाना गाने लगता है। वही तो बहन, वैसे भी मुझे तो फ्री का माल बिल्कुल पसंद नहीं, पर मुझे इस मछुआरन को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बेचारी
गरीब है। एक काम करते, हम इसे पैसे दे देते हैं और इसकी मछलियाँ भी नहीं लेते, ताकि ये किसी दूसरे गांव में जाकर अपनी मछलियों को बेच सके और थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। अरे बहन, तुम दोनों आपस में क्या बात कर रही हो बताओ ना। मैं इतनी मुश्किलों से तुम लोगों के लिए ये मछली पकड़ कर लाई हूँ, बताओ ना कितनी मछलियाँ पैक कर दूँ। बहन, तुम अपनी मछलियों को अपने ही पास रखो, हमें ये मछलियाँ नहीं चाहिए। इतना बोलकर गांव वाले उस चुड़ैल को कुछ पैसे देने लगते हैं। ये चुड़ैल देखकर मन ही मन खुद से बोलती है, ये गांव वाले खुद को बहुत तेज समझते हैं। इन गांव वालों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आज मैं इन सभी गांव वालों को मछली बनाकर इन्हें पकड़ लूंगी और अपने भूखे बच्चों के सामने डाल दूंगी। जब मेरे भूखे बच्चे स्वाद ले लेकर गांव वालों को खाएंगे, तब आएगा मजा। अरे बहन, तुम क्या सोचने लगी, शर्माओ मत, ये लो ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगी। बहन, अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहती हो तो मुझसे ये मछली ले लो। मेरा यकीन मानो, ये मछलियाँ बड़ी ही स्वादिष्ट बनेंगी। इन मछलियों को मैंने बड़ी ही मेहनत से पकड़ा है। इन मछलियों को तुम एक बार खाओगी तो बार बार मेरे पास आओगी। इस तरह से और सभी गांव वाले चुड़ैल पर तरस खाकर उससे उसकी मछलियाँ ले लेते हैं। अब रात को सब अपने अपने घरों में मछलियाँ बनाते हैं। मछलियाँ बनाने के बाद सभी लोग उन मछलियों को बड़े ही स्वाद लेकर खाते हैं और खाते ही गांव वाले मछलियों में बदल जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल एक एक करके सबके घरों में जाती है और जोर जोर से हंसते हुए मछली बने लोगों से बोलती है, आज बहुत दिनों बाद मेरे दिल को शांति मिल रही है इतनी मछलियाँ पकड़कर। वैसे तुम गांव वालों को मुझे बेवकूफ बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, पर कोई बात नहीं, तुम सबको पकड़कर अपने बच्चों के सामने फेंक दूंगी और मेरे बच्चों का आज पेट भर जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल सभी मछलियां पकड़कर अपनी टोकरी में डाल देती है और मछुआरन का रूप बदलकर गांव से जाने लगती है। तभी उस गांव का एक बाबा वहां आता है और मछुआरे की टोकरियों में मछलियों को देखकर उसे पता चल जाता है कि ये मछलियां सभी गांव के लोग हैं, जिसे इस चुड़ैल ने मछलियां बना दिया है। जिसके बाद बाबा उस चुड़ैल को रोकता है और उससे बोलता है, कौन है तू? मैं तो एक मामूली सी मछुआरन हूँ, मैं तो बस यहाँ मछली बेचने आई थी साहिब। चुड़ैल के इतना बोलते ही वो बाबा अपने थैले में से कुछ निकालता है और उस पर मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद चुड़ैल तड़पने लगती है और उसके हाथों से मछलियों का टोकरा नीचे गिर जाता है। अब चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और बाबा से बोलती है, बाबा मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दे, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। तू इन गांव वालों को छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अगर मैंने इन गांव वालों को छोड़ दिया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकती। तू ऐसे नहीं मानेगी, तू इन मासूम गांव वालों की जान लेकर ही मानेगी। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, इसलिए आज मैं तुझे और तेरे बच्चों को एक साथ खत्म कर दूंगा और गांव वालों को आजाद करवा लूंगा। इतना बोलकर बाबा कुछ तंत्र विद्या करते हैं और उस चुड़ैल को अपने वश में कर लेते हैं। चुड़ैल जैसे ही बाबा के वश में आती है, उसके बच्चे भी बाबा के पास आ जाते हैं। इसके बाद वो बाबा चुड़ैल और उसके बच्चों को एक बोतल में कैद करके समंदर में फेंक देता है और इस तरह से सभी गांव वाले चुड़ैल के चंगुल से बच जाते हैं और बाबा को धन्यवाद देते हैं। साथ ही इस हादसे के बाद सभी गांव वाले शाकाहारी बन जाते हैं और मछलियां खाना ही बंद कर देते हैं।